जुलाई माह में आचार्य जी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें। लुधियाना 3 व 4 जुलाई, चंडीगढ़ 5 व 6 जुलाई, दिल्ली 7 व 8 जुलाई, अहमदाबाद 10 व 11 जुलाई, सूरत 12 व 13 जुलाई, मुंबई 14 व 15 जुलाई, बंगलुरु 16 व 17 जुलाई। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 0952902022। मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री, यदि आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, और ज़्यादातर मामलों में ऐसा मैंने देखा है कि जब व्यक्ति की दूसरी शादी होती है, चाहे किसी भी कारण से हो, तब उसको जो जीवन साथी है वो भी ज़्यादातर मामलों में या तो तलाकशुदा मिलता है या विधवा या विधुर, किसी न किसी प्रकार से उसका भी दाम्पत्य जीवन पहले कष्टमय रह चुका होता है, ऐसा ही व्यक्ति जीवन साथी के तौर पर मिलता है। परंतु अगर मैं ज्योतिष की बात करूं, तो जब दूसरी शादी की जाती है या जब तलाकशुदा व्यक्ति आपस में शादी करते हैं, तब कुंडली मिलान के जो नियम हैं वो थोड़े से अलग हैं, उस पर मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। आज चर्चा केवल इस बात पर की जाएगी कि यदि आप किसी तलाकशुदा व्यक्ति से विवाह कर रहे हैं, आप चाहे आप खुद भी तलाकशुदा हैं, परंतु क्या सामने वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली में सारे विवाह खराब रहने, दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से खराब रहने का योग है, तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ में विवाह नहीं करना चाहिए। दरअसल मेरे एक मित्र हैं, जो कि उन्होंने अभी उनकी दूसरी शादी टूट गई है, और जब मैंने उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनकी जन्म पत्रिका देखी, तब मैंने उनको ये बतलाया कि इनकी जन्म कुंडली में विवाह सफल होने का योग ही नहीं बनता है। जब हम दूसरी शादी करने जाते हैं, तो तलाकशुदा जो व्यक्ति है, जो जीवन साथी है, क्या उसके परमानेंटली दाम्पत्य जीवन खराब रहने का योग है? आप किस तरीके से इसका पता लगा सकते हैं और इसका उपाय क्या है? अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार का कोई दोष है, तो उसको बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। और एक बेहद ज़रूरी सूचना कि अब हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी एक कमेंट का जवाब देते हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ में। साथियों, ये हमारी जन्म कुंडली का अष्टम भाव है। सबसे पहली शर्त, यदि अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है अकेला, नंबर पहली चीज। और इसके साथ ही जो अष्टम भाव का मालिक है, वो यदि सप्तम भाव में बैठा है, उसको आप कैसे पहचानेंगे? मैं बतला देता हूँ, बहुत आसान है उसको जानना भी। यदि आपके यहाँ पर 5 नंबर का अंक लिखा है और सूर्य आपके यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, यदि आपके अष्टम भाव में यहाँ पर 4 नंबर लिखा है और चंद्रमा यहाँ अकेला बैठा हुआ है, यदि 1 या 8 इनमें से कोई एक अंक यहाँ लिखा है और मंगल आपके यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, यदि 6 या 3 नंबर इन दोनों में से कोई एक अंक यहाँ लिखा है और बुध आपके यहाँ बैठा है, यदि 9 या 12 इन दोनों में से कोई एक अंक यहाँ लिखा है और गुरु महाराज आपके यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र पर यह बात लागू नहीं होगी, शनि की बात मैं करूँगा, यदि 10
या 11 नंबर, इन दोनों में से कोई एक अंक यहाँ लिखा है और शनि देव आपके अकेले सप्तम भाव में बैठे हैं। ये सारी स्थितियाँ व्यक्ति को परमानेंटली, चाहे वो एक शादी करे, दो करे, तीन करे, जितनी मर्जी करे, उसका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहता है। तो इसका उपाय क्या है? इस प्रकार का जो योग अभी जिसके बारे में मैंने चर्चा की, जिसकी भी कुंडली में होता है, यदि वो शुक्र के दान करे, सबसे बेहतर होगा कि वो इत्र का दान करे। शुक्रवार को कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी मात्रा में कर सकते हैं। और इसके साथ ही शुक्रवार को, मान लीजिए आज शुक्रवार है, जब भी समय मिलता है एक माला ओम शुम शुक्राय नमः इसकी जाप करनी है। जब अगला शुक्रवार आएगा तब तीन माला जाप करनी है, और फिर जब तीसरा शुक्रवार आएगा तब पांच माला जाप करनी है। 1 3 5 इस प्रकार का क्रम, वापस फिर 1 3 5 हर शुक्रवार को इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से ये प्रक्रिया चलाती रहनी चाहिए। ये जब तक चलती रहेगी दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर देंगे मित्रों। तो यदि आप भी दूसरी विवाह की तैयारी में हैं तो मैंने आपको जो बतलाया है आप उसके द्वारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। और शुक्र जब भी किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के सफल होता है। दया ऐसे व्यक्ति को बहुत कम आती है, बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के व्यक्ति होते हैं। किसी न किसी एक परमानेंट रोग के शिकार भी ये होते हैं और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हुए भी देखा गया है। धन भाव पर शुक्र दृष्टि डाल रहा है तो धन की इनको किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होती है। विलास, ऐश्वर्य, वैभव, शौक इनके लिए बड़ी चीज़ होती है। तो मित्रों आइए अब हम चलते हैं आज के हमारे कमेंट के सेक्शन की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शुभ्रा विश्वास जी का, जो कि बैरकपुर पश्चिमी बंगाल से हमें लिखती हैं। आपने लिखा है कि आप पेशे से एक शिक्षिका हैं, समस्या ये है कि शादी आपकी पक्की हो नहीं पा रही है। बात आगे बढ़ती है परंतु कुछ समय बाद ही वो रिश्ता टूट जाता है। सीमा जी, शुभ्रा जी, आप की कुंडली के विश्लेषण के बाद में ये बिल्कुल विश्वास के साथ में कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली में दिसंबर 2020 से पहले विवाह का कोई योग नहीं है। उसके बाद आपका विवाह हो जाएगा। मंगली आप हैं इसलिए आप पूर्ण रूप से कुंडली मिलान करके विवाह करें। सप्तमेश जो है आपका वो 12th हाउस में स्वयं जो मंगल बनता है वो बैठ गया है। तो बहुत ही गहनता के साथ में आपको विवाह के लिए कुंडली मिलान कराना होगा। आप ये निश्चिंत रहिए विवाह ज़रूर होगा। तो मित्रों ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर। आप स्वस्थ व समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।